guys, please subscribe IS with Kojang sir and please press the bell icon to never miss an update. Namaskar dosto, main aapka guide Kojang. आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो है हाउ टू रिवाइज एंड मेमोराइज, यानी कि किसी भी चीज को, पढ़ी हुई चीज को कैसे रिवाइज करें और उसको कैसे मेमोराइज करें। आप लोगों की क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे होंगे, कई लोग जॉब पे जाते होंगे, कई लोगों को लंबी ट्रेवलिंग करनी पड़ती होगी। तो आज मैं आप लोगों से जिस मैथड की बात कर रहा हूँ वो आपके टाइम का जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करने में आपको मदद करेगा, और इस मैथड का नाम है फ्लैश कार्ड मेमोरी मैथड। चलिए दोस्तों समझते हैं कि मेमोराइज करने के लिए, रिवाइज करने के लिए ये मेथड कितना महत्वपूर्ण है और इसके हमें क्या क्या आउटकम मिल सकते हैं। जो रिवीजन होता है वो हमारी पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम बहुत तेजी से उसको भूलते चले जाते हैं, या हमें जो है वो हमारा जो बिजी शेड्यूल है उसमें हमें रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलता। याद रखिएगा, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर जो आपके टाइम का यूटिलाइजेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो स्टूडेंट अपने टाइम का इन्हीं 24 घंटों का ज्यादा ज्यादा इस्तेमाल करेगा, उसको ज्यादा ज्यादा अपने एम्स के लिए, अपने गोल्स के लिए लगाएगा, वो डेफिनेटली जो है वो सक्सेस होगा। तो आइए, जहां तक हमने आपसे वादा किया था कि आपकी इंपॉवरमेंट के लिए हम लगातार काम करेंगे, उसी मेथड के बारे में मैं चर्चा करता हूं। फ्लैश कार्ड एक मेथड है। जैसे आप कोई भी बुक पढ़ते हैं, सपोज दैट आपने पॉलिटी पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी या एक्स वाई जेड कोई भी आप किताब पढ़ रहे हैं, सो ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले उस किताब के नोट्स बना लीजिए या आपके टीचर आपको नोट्स दे रहे हैं। अब मान लीजिए फ्लैश कार्ड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें ताश के जो आपने पत्ते देखे होंगे, तो ताश के पत्तों की तरह आप एक जो है वो चार्ट पेपर को काट लीजिए, ठीक है, एक चार्ट पेपर जिसके दोनों साइड जो है वो ब्लैंक होने चाहिए, यानी फ्रंट और बैक दोनों जो है ब्लैंक होना चाहिए। अब फ्लैश कार्ड में आपको क्या करना है, एक साइड जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर आपको कोई भी क्वेश्चन या कॉन्सेप्ट जो भी आपने पढ़ा, सपोज दैट आज आपने पेपर में क्रोनी कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ा, यानी क्रोनी पूंजीवाद, और उसको लेकर आपने कुछ पॉइंट्स अच्छे तैयार किए, आपने अपने नोटबुक में उसको लिखा, या आपने जो है वो 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ा, उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपने जो है वो समराइज किए, तो जो फ्रंट साइड होगा उस पर आपने लिखा प्रश्न, यानी जो कॉन्सेप्ट आपको डील करना है वो आपने लिखा। अब इसका जो दूसरी साइड है उस पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, याद रखिएगा इसमें लंबे लंबे बातें नहीं लिखनी है, इसमें पॉइंट्स में समराइज वे में, साइनॉप्सिस वे में इसको लिखना है, यानी कि जो महत्वपूर्ण बिंदु जो शॉर्ट फॉर्म में आप इसमें लिख सकते हैं इस छोटे से कार्ड के टुकड़े पर, उसको आपको यहां पर लिखना है। तो जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हो गए या जो आपको कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने में दिक्कत हो रही है या जो कॉन्सेप्ट जिसपे आप जो है वो रिविजन कर पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं आपने उधर दूसरी तरफ आपने लिख लिया, और इस तरह जो है वो आप कार्ड प्रिपेयर करेंगे। सपोज दैट आप पर डे जो है वो 5 to 10 कार्ड्स प्रिपेयर करते हैं, ये आपको करना चाहिए। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो आपका रिवीजन पहले ही आपकी नोट्स में हो जाएगा, दूसरा आप जो है वो इसमें जो लिखने की प्रैक्टिस करेंगे यानी शॉर्ट फॉर्म में, उससे आपका जो है वो एक दोबारा रिवीजन होगा और आपकी जो है मेमोरी का जो है आधार तैयार होगा। अब मान लीजिए आपने 5 से 10 कार्ड जो है वो तैयार कर लिए, अब ये तैयार करने के बाद ये कार्ड आपने जेब में रख लिया, सपोज दैट आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, मान लीजिए आप बस में या मेट्रो में जा रहे हैं, या जो है आप कोचिंग के लिए पैदल निकले हुए हैं, रास्ते में हैं, या कहीं बैठे हुए हैं कैफेटेरिया में, अपने जो है वो जॉब के दौरान बीच में जो है वो ब्रेक लेकर बैठे हुए हैं, सो ऐसी कंडीशन में आपने वो कार्ड निकाला। अब जो क्वेश्चन साइड है उस क्वेश्चन साइड को आपने क्या किया, देखा ध्यान से कि भैया ये क्रोनी कैपिटलिज्म है या 1935 का एक्ट है या जो है भारत में मानसून की स्थिति है इसके बारे में, या आप इंग्लिश की कोई वोकैबुलरी, मैथ्स का कोई फार्मूला या इंपॉर्टेंट ट्रिक, जो भी आप उसमें लिखना चाहे उस पर आपने लिखा, आपने वो क्वेश्चन लिखा। अब आप इसको जो है वो मेमोराइज करने की कोशिश करिए, खुद से जो है इसको याद करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपने उस पूरी चीज को रिवाइज किया कि हाँ मेरे दिमाग में ये इसको लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर ये महत्वपूर्ण बातें हैं, आपने फिर उसको कार्ड को पलटा और पलट कर देखा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने अपने नोट से लिखे थे या अपनी किताब से जो लिखे थे वो महत्वपूर्ण बिंदु मुझे याद हो रहे हैं या नहीं याद हो रहे हैं। अगर उसमें कोई पॉइंट भूलता है तो आपको तुरंत वहीं के वहीं इसको मेमोराइज करना है। सो ये जो होता है वो फ्लैश कार्ड मेमोरी सिस्टम होता है, आप तत्काल जो है उस कार्ड को जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। ऐसे दौरान जो आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, आप लगातार कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो दोहराते रहेंगे। आप 5 से 10 पर डे अगर कार्ड बनाते हैं, मान लीजिए मैं 10 कार्ड का एक बात करता हूं कि एक आइडियल स्टूडेंट को 10 कार्ड पर डे बनाना चाहिए,
तो यानी महीने में आपके 300 कार्ड हुए, 6 महीने में लगभग 1800 कार्ड जो है वो आपके तैयार हो जाएंगे, यानी 1800 कॉन्सेप्ट्स आपके तैयार हो जाएंगे। और धीरे धीरे करके जब आपके कॉन्सेप्ट वैरी करने लगेंगे और ज्यादा जो है आप बनाने लगेंगे, तो आप इनको सब्जेक्ट वाइज भी बना सकते हैं, जैसे हिस्ट्री का कार्ड, ज्योग्राफी का कार्ड, पॉलिटी का कार्ड हो गया, मैथ्स के फॉर्मूलों का कार्ड हो गया, वोकैबुलरी का कार्ड हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट आप इनकी ताश की गड्डियों की तरह आप इनको बना लेंगे, एक रबड़ बैंड लगा के रख लेंगे या एक पॉलिथीन में रख लेंगे, आपकी जेब में वो महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। जब भी आपको मन हुआ, कहीं भी आप खाली बैठे हैं, आपने पहले क्वेश्चन देखा, उसको मेमोराइज करने की कोशिश की, आंख बंद किया, उसको पूरा जो है वो रिवाइज किया, मेमोराइज किया, और फिर आपने उसको पलट के देखा कि सारे पॉइंट मैंने जो है वो गैदर किए या नहीं किए। अगर सारे पॉइंट गैदर कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप जो है वो सारी चीजों को याद कर चुके हैं, और अगर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब यहां पर अभी बहुत सी चीजों को सुधार करने की आवश्यकता है। सो दोस्तों, इस तरह जो है वो आप अपने एक एक मिनट को यूटिलाइज कर पाएंगे, एक एक जो आपकी यात्रा है, जो आपका टाइम खा रही है, वो लगातार आप अपने जो है गोल्स को लेकर ओरिएंट रहेंगे। न सिर्फ ओरिएंट रहेंगे, धीरे धीरे जो है वो ये बिल्डअप होता जाएगा। आप ये सोचिए कि लगभग 3600 कॉन्सेप्ट जो है वो आप पूरे साल में तैयार कर चुके होंगे, और ये वो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट होंगे जो आपको लग रहा है कि एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे वो गवर्नमेंट की प्रोग्राम एंड पॉलिसीज हो, या वो चीजें जो आप लगातार बार बार भूल जाते हैं, वो हमेशा आपके दिमाग में रहेगा और आपका एक एक मिनट यूटिलाइज होगा। और धीरे धीरे वो आपके जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होते रहेंगे, बिल्डअप होते रहेंगे, और इसका डेफिनेटली आपको जो फायदा है वो आपको एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा। जो लोग मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो लोग मेंस का एग्जाम दे रहे हैं, वो भी इस मेथड को बहुत महत्वपूर्ण तरीके से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज दैट मेंस के जीएस फर्स्ट पेपर में जो है वो कृषि में महिलाओं की भूमिका, आपने जो है वो अभी योजना आई है महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर बात हो रही है, या जो है वो वृद्धजनों को लेकर बात हो रही है, तो उसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है, या आपने देखा उसमें कुछ आर्टिकल्स अच्छे दिए हुए कि संविधान में कहां कहां जो है वो हम जो बुजुर्ग जन है उनको जो है वो कैसे उनकी रक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए, उनकी जो है सहायता के लिए आपको वो बहुत ढेर सारे प्रावधान दिए, आपने उसको फ्लैश कार्ड पे इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में लिख लिया, या सरकार कोई योजना चला रही है जिसमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए वो नई योजनाएं लॉन्च की है, या बजट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ये क्या होता है, एग्जाम में तेजी से हमारे दिमाग से निकल जाता है, खासतौर पे जो बजट के प्रावधान हैं, जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल्स हैं, वो हमारे दिमाग से निकल जाता है, क्योंकि एग्जाम का समय एक गोल्डन टाइम होता है, और ऐसी कंडीशन में वो मौका हमें एग्जामिनेशन हॉल के बाद दोबारा नहीं मिलेगा। लेकिन जब आप ये फ्लैश कार्ड पे लिखेंगे, एक तरफ आपने जो है वो फ्रंट पे लिखा कि महिला सशक्तिकरण, या जो है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए योजना है, और दूसरी तरफ आपने उनको शॉर्टेस्ट फॉर्म में जो है वो छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में आपने उस फ्लैश कार्ड के पिछले हिस्से पे लिख लिया, आप जहां भी बैठे हुए हैं, जहां पे भी हैं, चाय भी पी रहे हैं, घर में आप रिलैक्स कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, आपने एक फ्लैश कार्ड उठाया, सामने आपकी तरफ देखा, अब आपको बुक उठाने की आवश्यकता नहीं है, एक बार आपने देखा, उसको रिवाइज किया, पलट के देखा कि हमारे सारे पॉइंट्स अपडेट हैं या नहीं अपडेट हैं, और ये इस तरह करके जो है आप अपनी मेमोरी को कई गुना बढ़ा सकते हैं। रिवीजन मेमोरी का जो है वो पहला हमारा हिस्सा होता है, और जो स्टूडेंट इसको करेगा उसको जो है आउटपुट बहुत अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बात महसूस किया है कि बच्चे पढ़ते तो हैं, मेहनत करते हैं, किताबों को खत्म करते चले जाते हैं, आज 200 पेज पढ़ना है, कल जो है वो पूरी किताब खत्म कर देनी है, लेकिन इधर से वो पढ़ते चले जाते हैं और पीछे से वो क्या होता है, गायब होता चला जाता है। जब आंसर राइटिंग करना होता है, जब मेमोराइज करना होता है, तब उनको ये बातें याद नहीं आती हैं। लेकिन ये जो फ्लैश कार्ड मेमोरी मेथड है, ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आएगा। धीरे धीरे आप जो है वो करते करते एक महीने या दो महीने बाद आप पीछे से आप देखेंगे कि लगभग 100-150 कॉन्सेप्ट आपके जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार होते चले जा रहे हैं। और अभी की जो ये मेहनत है, खासतौर पे जो नए बच्चे हैं जो तैयारी में अभी उतरे हैं या तैयारी में जो उतरेंगे, वो अभी से जब मेहनत करेंगे तो धीरे धीरे उनका जो है वो एक बहुत बड़ा जो है वो साउंड कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, और ऐसी कंडीशन में आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस महसूस करोगे। जैसा मैंने पहले भी आपसे वादा किया था कि एक एक मिनट को मैं आपको जो है वो फ्रूटफुल बनाना चाहता हूं, आपको मैं हारने नहीं दूंगा, इस बात की मैं हमेशा कोशिश करता हूं, और इसके लिए मैंने अपनी जो है वो पूरी ताकत लगा रखी है। कहीं से भी मेथड लेकर आना पड़े मैं लेकर आऊंगा, लेकिन दोस्तों इसको फॉलो करिए, ये एक स्किल है, इसके लिए आपको अपनी इन्वॉल्वमेंट देनी पड़ेगी, क्योंकि जिंदगी आपकी है तो कीमत भी आपकी होगी। सपने आपने देखे हैं तो कीमत भी आप चुकाएंगे। रास्ता मैं बताता जा रहा हूं, उसको पूरी फेथफुल के साथ जो है पूरे जो है गंभीरता के साथ इसको जो है आप आगे लेकर जाइए, और डेफिनेटली जीत आपकी ही होगी। और यही ओजांग का इस एकेडमी का लगातार प्रयास है कि आप सशक्त हो, आप ताकतवर बने, और जो सपने आपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दीजिए। जिस लक्ष्य पे आप पहुंचना चाहते हैं, सफलता आपकी होनी चाहिए। इस सफलता के लिए जो भी मेहनत करनी पड़े हम मिलकर करेंगे। तो टीम ओजांग आईएएस आपके साथ हमेशा खड़ी है। दोस्तों लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए, आज से जो है फ्लैश कार्ड बनाना शुरू करिए।
मैंने एक बार फिर से इसको रिवाइज करता हूं, हमें क्या करना है, सबसे पहले कोई बुक पढ़ी या कोई नोट्स पढ़ा, उसके जो है वो शॉर्टर पॉइंट बनाइए, शॉर्टर पॉइंट में जो महत्वपूर्ण बिंदु है इनको फ्लैश कार्ड पे लेकर आइए। फ्लैश कार्ड मतलब एक ताश के टुकड़ों की तरह, एक जो है वो कोई भी कार्डबोर्ड या कोई भी आप जो है वो चार्ट पेपर को काट के बना सकते हैं, और एक तरफ उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिखिए और दूसरी तरफ जो है उसके महत्वपूर्ण बिंदु लिखिए। ये हमेशा आपकी जेब पे होना चाहिए, ताश की गड्डी की तरफ, और ये जो है वो कहीं बैग में रखिए या अपनी जेब में रखिए और जहां भी खाली बैठे हैं उसको रिवाइज करते रहिए। ये न सिर्फ आपके महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट्स को पकड़ने में आपकी बहुत मदद करेगी, साथ ही साथ जो है वो मेंस की आंसर राइटिंग में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और जो बच्चे डिबेट में या अन्य जगह पे जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए तो सबसे बेस्ट मेथड है। इसको अंतरराष्ट्रीय जो है जगत पे इस्तेमाल किया जाता है, कई विद्वान इसको इस्तेमाल करते हैं, और वहां पर जो आप डिबेट के प्रमुख बिंदु हैं या कोई भी आप भाषण देने जा रहे हैं वहां पर इन बिंदुओं को आप लिख सकते हैं, और लिखने के बाद आपकी जो पूरी समराइज है वो तैयार हो जाएगी, जो पूरी समरी है वो आप इसको तैयार कर सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये मेथड आप आजमाइए और अपनी पढ़ाई को जो है एक नया आयाम दीजिए। और ये वीडियो कैसा लगा और इससे आपकी क्या हेल्प हुई कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो आपको मिलते रहे, ऐसे वीडियो जो आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आ सकते हैं वो आपको मिलते रहे। और दोस्तों इन वीडियोस को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करिए जो वास्तव में जिनको आवश्यकता है, जिनको जो है वो क्वालिटी नहीं मिल पा रही है, तो मिलकर हम एक पॉजिटिव चेंज बनाते हैं और पॉजिटिव चेंज को आगे लेकर बढ़ते हैं, और जब हम हाथ की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तभी ये चेंज बढ़ेगी। तो दोस्तों अपने इस मित्र को विदा दीजिए, आपके किसी और प्रश्न के जवाब के साथ जल्दी मैं हाजिर हूंगा।